तो सबसे पहला सवाल रुद्रा की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या जॉन सिना वर्सेस रॉक का मैच फ्यूचर के अंदर फिर से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इन लोग दोनों का हमें शायद से फेस ऑफ ही देखने को मिला था रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो यार देखो, सबसे पहले डब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर इनका जो फेस ऑफ करवाए थे उसका कुछ और मतलब था। उस मैच के अंदर डब्ल्यू वाले एक्चुअली सारा कुछ पुराना हिस्ट्री को फिर से रिपीट करना चाहते थे, जैसे रॉक और जॉन सिना का रिवलरी, रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिवलरी, चाहे रोमन रेंस का स्टील चेयर मारना हो सेथ रॉलिंस को, तो भाई डब्ल्यू वाले ये सारा चीज रिपीट कर रही थी इस मैच का, ताकि इस मैच को बहुत ज्यादा ग्रेट मैच बनाया जा सके, ताकि मतलब लोग इसे हमेशा याद करें। रहा बात रॉक और जॉन सिना का, तो भाई इनका मैच हमें ऑलरेडी दो रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिल चुका है। डब्ल्यू वाले भाई अभी फिलहाल के लिए भाई इनका मैच तो भाई करवाने नहीं वाली है, खासकर आप लोग ट्रिपल एच के एरा में आप लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको भी पता है इस तरीके का मैचेस के ऊपर ट्रिपल एच बिल्कुल भी अफर्ड नहीं देते। इसके बाद नेक्स्ट सवाल रुद्रा की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या आइसो स्पीड भी लोगन पॉल जैसे एक प्रोफेशनल रेसलर बन सकते हैं। यार देखो, आइसो स्पीड का भाई जो रियल वाला जो करेक्टर है एज ए मजाकिया करेक्टर, आप लोग एज ए जोकर भी मतलब समझ सकते हो आइसो स्पीड का, मतलब इनका करेक्टर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। करंट टाइम भाई शायद से 24 साल के या फिर 25 साल के यही मतलब इनका एज है, बॉक्सिंग भी कर चुके हैं, फुटबॉल भी खेल चुके हैं, शायद से इनको रेसलिंग भी थोड़ा बहुत आता है, पर मुझे नहीं लगता भाई डब्ल्यू वाले मतलब भाई इनको साइन करने वाले। आइसो स्पीड मतलब एक बहुत ज्यादा सीरियस करेक्टर नहीं, इसलिए डब्ल्यू वाले भाई इनको साइन नहीं करेंगे। लोगन पॉल का बात करें तो भाई वो एक बिजनेस माइंड बनता है, मतलब उसका दिमाग नेक्स्ट लेवल पर चलता है, डब्ल्यू वाले भाई एज ए ओकेजन इनको शायद से बुला सकते हैं, ये पॉसिबल है। जैसे सऊदी के अंदर लोगन पॉल का मैच जो कोडी रोड्स के साथ होने वाला, उसके अंदर एक फिर से बंदा आएगा ऐसे प्राइम ड्रिंक का पूरा बोतल पहनकर, तो देखते हैं भाई आइसो स्पीड आते हैं सऊदी के अंदर या फिर कोई और रेसलर आने वाला या फिर कोई और ऐसा यूट्यूबर आने वाला मार खाने के लिए कोडी रोड्स। इसके बाद नेक्स्ट वाला @ यूजर की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या ब्लड एंड का स्टोरी लाइन खत्म होने के बाद रोमन रेंज जाने वाले मिडकार्ड चैंपियंस बेल्ट के लिए। यार रोमन रेंज भाई कभी भी मिडकार्ड चैंपियंस बेल्ट के लिए गए ही नहीं है, अपने कैरियर के जब स्टार्टिंग पॉइंट में थे तब ये शायद से चैंपियन बने, और वो भी रोमन रेंज को इसलिए मिडकार्ड चैंपियंस बेल्ट दिया गया था ताकि रोमन रेंज एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन सके। तो अगर आपका ये सवाल है रोमन रेंज कभी मिडकार्ड चैंपियंस बेल्ट के पीछे जाने वाला है, तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल, हो सकता है रोमन रेंज फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए, इस बात को मैं मानने के लिए रेडी हूं। हां, रोमन रेंज भाई डबल चैंपियन फिर से नहीं बनने वाला, साथ ही साथ रोमन रेंज भाई मिडकार्ड चैंपियंस बेल्ट के पीछे कभी जाने नहीं वाले। इसके बाद नेक्स्ट सवाल रुद्रा की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है अगर ब्रॉक लेसनर 2003 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को क्विट नहीं किए होते तो क्या होता आज। तो अगर आपको याद होगा 2003 का मैंने ड्राफ्ट का मैंने आपको बैनर दिखाया था, जिसके अंदर भाई पोस्टर बॉय स्मैकडाउन का भाई ब्रॉक लेसनर थे। आप लोग समझो, ब्रॉक लेसनर जिसको आए हुए सिर्फ एक साल हुआ था, वो बैनर के अंदर रॉक को पीछे कर देता, अंडरटेकर को पीछे कर देता, कट एंगल को पीछे कर देता। ब्रॉक लेसनर का भाई 25 साल की उम्र में जो स्टारडम था भाई, वैसा स्टारडम रवि वाले बहुत कम रेसलर को दे पाई है, रॉक को शायद से मिला था। ब्रॉक लेसनर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को नहीं क्विट करते तो भाई मेरे ख्याल से बहुत सारे रिकॉर्ड बनाते हो, बहुत सारे और भी चैंपियंस बेल्ट को विन कर सकते हैं। जैसे अभी ब्रॉक लेसनर करंट टाइम में 10 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, तो इनका रिकॉर्ड 15-16 भी शायद से जा सकता है। हाँ भाई, मेरे ख्याल से भाई जो भी होता है अच्छे किलो होता है ब्रॉक लेसनर, उसके बाद यूएफसी के अंदर गए जहां हमें ये पता चला कि ब्रॉक लेसनर सच में रियल फाइटर, क्योंकि अगर यूएफसी के अंदर नहीं जाते तो भाई ब्रॉक लेसनर को जितना रिस्पेक्ट मिलता उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, शायद से डब्ल्यू वाले भाई इतना हाई पेमेंट भी कभी ब्रॉक लेसनर को नहीं देते। तो जो होता है भाई अच्छे किलो होता है, पर हाँ ब्रॉक लेसनर भाई डेफिनेटली बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल किंग की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज सऊदी इवेंट के अंदर अपना रिटर्न करने वाले हैं। अब तो ब्लड एंड का भाई कोई मैच भी नहीं हो रहा सऊदी के अंदर, तो भाई आप लोग होप कैसे रखोगे कि यहाँ पर रोमन रेंज आएंगे। ऐसे मैं आपको बता दूं, एक होप आप लोग शायद से जगा सकते हो सऊदी के अंदर रोमन रेंज का आने का, एक रीजन हो सकता है करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है, स्टोरी लाइन भाई बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, डब्ल्यू वाले अपना व्यूअरशिप को नहीं पब्लिक कर रही है, तो हो सकता है रोमन रेंज रिटर्न करे सऊदी के अंदर और आकर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करे। हाँ, इसका बहुत छोटा सा चांसेस है, पर हाँ भाई ये शायद से हो भी सकता है, बहुत छोटा सा चांस। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक बैनर दिखाया था जिसके अंदर लिखा हुआ था 100 problem 1 solution, मतलब अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 100 जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है रोमन रेंज को फिर से वापस लेते। हाँ भाई, अभी रोमन रेंज को भाई करंट टाइम में गए हुए सिर्फ 38 दिन या फिर 40 दिन करंट टाइम बस हुआ है, मतलब इतना जल्दी तो भाई रोमन रेंज नहीं आएंगे, पर हाँ भाई जब भी आएंगे रोमन रेंज भाई धमाल मचाने वाले। सऊदी के अंदर आप लोग बहुत लिटिल बिट आप लोग होप रख सकते हो, शायद से उसका भी चांसेस नहीं है। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल रुद्रा की तरफ से निकल कर सामने है, भाई मैं सिर्फ इसी बंदा का क्या सवाल में पिक कर रहा हूं। वैसे इनका ये सवाल है क्या कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच एक बार फिर से रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सकता है। तो यार मेरे ख्याल से इसका काफी हाई चांसेस है भाई, आपको रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच में आपको फिर से एक बार मैच आपको देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर। देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है भाई, डब्ल्यू वालों को अभी करंट टाइम में कोडी रोड्स को एक नया हीरो दिखाना है, तो कोडी रोड्स को एक हीरो दिखाना है तो भाई इनका मैच बार बार रोमन रेंज के साथ करवाने का कोशिश करेगी या फिर बड़े रेसलर के साथ करवाने का कोशिश करेगी। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रेवलरी इनका जो करंट टाइम में सेट हो चुका है वो रोमन रेंज के साथ सेट हो चुका है। डब्ल्यू वाले इनका मल्टीपल टाइम मैचेस करवाएगी, मेन इवेंट करवाएगी, ताकि मतलब इन दोनों का रेवलरी बहुत ज्यादा गहरा हो जाए। ये रेवलरी के होने के बाद कोडी रोड्स एक बहुत बड़ा हीरो बनकर सबके सामने आ जाए। आप लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का ले सकते हो। डब्ल्यू वाले भाई इनके बीच में कितने सारे मैचेस करवाई थी, कितने सारे मेन इवेंट करवाए थे। सबसे कमाल की बात है कि इस रेवलरी के अंदर ब्रॉक लेसनर एक टॉप के रेसलर थे, इसलिए रोमन रेंज कभी बोरिंग लगे ही नहीं। जितना बार इनका मैच रहा वो इंटरेस्टिंग मैच रहा, यहाँ पर रोमन रेंज बहुत बड़े सुपरस्टार बनकर सबके सामने आए। तो रोमन रेंज और कोडी रोड्स के साथ भी सेम चीज है, करंट टाइम में रोमन रेंज एक बहुत बड़े रेसलर है, कोडी रोड्स मतलब इनके साथ रेवलरी काफी अच्छा कर पा रहे हैं। कोडी रोड्स का रेवलरी डब्ल्यू वाले जब रोमन रेंज के साथ दिखाएगी तो
ना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, हम सारे लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे जैसे हम लोग दो रेसलमेनिया के अंदर एंजॉय कर चुके हैं। आप लोग सिंपल समझो भाई, जब इनके सामने रोमन रेंज नहीं तो भाई अभी करंट टाइम में कोडी रोड्स का मोई निकला हुआ है। आप लोग समझ गए हो भाई इस मैच का होने का दोबारा से क्यों चांसेस है, क्योंकि भाई यहां पर कोडी रोड्स को और भी ज्यादा बड़ा रेसलर दिखाया जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला डब्ल्यूडब्ल्यूईपीडिया की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या फ्यूचर के अंदर कोई रेसलर ब्रूमो सामार्टिनो का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। यार इस सवाल का मैंने एक बार और पहले मैंने लिया था इस सवाल को, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। रोमन रेंज का भाई जितना लंबा टाइटल रेन था डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर, पिछले 40 साल से उतना टाइटल रेन लंबा किसी रेसलर का हुआ ही नहीं था। मुझे नहीं लगता भाई आगे आने वाले 40 साल के अंदर रोमन रेंज का रिकॉर्ड को भी कोई रेसलर तोड़ पाएंगे। भाई बहुत मुश्किल होने वाला 1200 दिन तक चैंपियन बने रहना। तो भाई मेरा जवाब भाई बिल्कुल क्लियर है, कोई भी ऐसा रेसलर नहीं होने वाला जो कि भाई रोमन रेंज का रिकॉर्ड तोड़े, भाई उनका तो छोड़ ही दो। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल @ यूजर की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या सेमस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को विन कर सकते हैं। देखो चाहता तो मैं भी भाई, पर डब्ल्यू वाले भाई पिछले 4 साल से सेमस को भाई रत्ती भर मतलब वैल्यू ही नहीं दी है। आप लोग देखो भाई मंडे नाइट रॉ पर भाई सेमस फिर से रिटर्न किया, फिर से वो गुंथर से मैच हार चुके हैं। वो बंदा पिछले 4 साल से एक भी टाइटल को नहीं विन किया, सारे मैचों जो हारते ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल से भाई रिटायर होने से पहले एक बार गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को शायद जरूर से विन करने वाले, क्योंकि ये अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को विन करेंगे उसके बाद एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन सकता है। वो कब होगा भाई किसी को नहीं पता, मेरे ख्याल से भाई अगले साल शायद से बन सकता है। ये चीज कंफर्म है कि वो बन जाएंगे शायद से चैट वेल को हराकर, मतलब ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शायद से बनने वाले। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हसन की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक विन कर सकते हैं या फिर रॉयल रंबल विन कर सकते हैं। देखो सेथ रॉलिंस भाई मनी इन द बैंक तो भाई फिर से कभी विन नहीं करने वाला, इसका आप लोग सपना भी देखना बंद कर दो। बाकी अगर आप लोग रॉयल रंबल बोल रहे तो भाई उस तरीके का स्टोरी लाइन होना चाहिए सेथ रॉलिंस के पास। अगले रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला, ऐसा कंडीशन सेट कर दिया गया। अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 से पहले मतलब किसी तरीके से फिर से चैंपियन बन जाते तब शायद से भाई सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल विन कर सकते, क्योंकि भाई रोमन रेंज को वही बंदा फेस करता जो कि एक्चुअली रॉयल रंबल को विन करता। चाहे आप लोग दो बार कोडी रोड्स का एग्जांपल ले लो, चाहे आप लोग एज का एग्जांपल ले लो, चाहे आप लोग ब्रॉक लेसनर का एग्जांपल ले लो, मे बी ऐसा कंडीशन हो सकता, पर भाई इसका चांसेस करंट टाइम में कम है गुंथर शायद से विन करने वाला अगले साल का रॉयल रंबल। देन इसका नेक्स्ट सवाल अगेन रुद्रा की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का क्या मैच हो सकता पॉसिबल। यार ट्रिपल एच वो बंदा जो कि भाई एग्जैक्टली ऐसा ही मैच करवाता है, ऐसा ही मैच उसको करवाना ज्यादा पसंद है। ब्रॉन ब्रेकर करंट टाइम में सबसे यंग रेसलर है, सबसे ज्यादा पावरफुल रेसलर है, शायद से 25-26 साल के हुए होंगे शायद। ब्रॉन ब्रेकर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेट दिखाना है तो भाई इसको जाकर फेस ऑफ करवा दो ब्रॉक लेसनर के सामने। और जब ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे तो ब्रॉन ब्रेकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसलर बन जाएंगे। तो अगर ब्रॉक लेसनर फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर साइन कर देते तो भाई इस मैच को ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई ट्रिपल एच को ऐसा ही मैच ज्यादा पसंद है, गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर भाई अगर वापस आते हैं तो सारे मैचेस हारने के लिए आएंगे, जीतने के लिए नहीं आने वाले। अगर वो फिर से वापस आते हैं तो उनका सिर्फ एक पर्पस होने वाला, न्यू रेसलर को ज्यादा से ज्यादा कैसे वो पुश दिला सके। ब्रॉक लेसनर भाई सिंपल सारे रेसलर हारेंगे, उनको हराने वाला रेसलर कोडी रोड्स हो जाएंगे, जैसे ब्रॉन ब्रेकर हो जाएंगे, गुंथर हो जाएंगे। भाई ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच भाई बिल्कुल 100% पॉसिबल है। देन इसके बाद नेक्स्ट सवाल जॉनी सिंस की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज अपना खतरनाक वाला इस बार हील कैरेक्टर के साथ कमबैक करने वाला है अपना। हाँ यार प्रोबेबली भाई रोमन रेंज समर स्लैम के राउंड वापस आने वाला, अपना सबसे बड़ा हील कैरेक्टर के साथ वो वापस आएंगे। साथ ही साथ हमें इस बार सेथ रॉलिंस का जो कमबैक देखने को मिलेगा वो भी शायद से बहुत बड़ा हील कैरेक्टर के साथ देखने को मिल सकता है। अभी जब ये सारे रेसलर्स समर स्लैम के राउंड आएंगे तो भाई आपको देखने में बहुत ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई मजा आने वाला है। वैसे आज के वीडियो के अंदर मैंने एक ही बंदा का बहुत सारा क्वेश्चन पिक कर लिया, तो भाई आप लोग सारे लोग अपना सवाल पूछना मत भूलिए। साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।